अस्सलाम वालेकुम एवर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कलेजी पालक। इसके लिए मैंने पहले एक छोटा सा मुन्ना सा प्याज लिया, इसको मैंने ऑयल में डाला है फ्राई होने के लिए। पालक की एक बड़ी सी गुठी मैंने लेके अच्छी तरह उसको बारीक बारीक काट के धो के हल्की सी बॉईल करके रखी है। आधा किलो मैंने इसके लिए कलेजी ली है। बच्चे कलेजी नहीं खाते, इसलिए उनके लिए मैं बीच में डालूँगी दो आलू। और साथ में आपको मैं बताऊँगी मैं कुछ कैसे बनाती हूँ। ये देखिए पैन में मैंने थोड़ा सा बस ऑयल डाला, इसको चेक करूँगी ये गर्म हो गया। ये देखिए अच्छी तरह गर्म हो गया। अब मैं इसमें फिश के सैंड डालूँगी। डाली अब मैं इसके ऊपर कैप लगा दूँगी। आज मैंने बिल्कुल धीमी कर देनी है। बिल्कुल धीमी, वैसे दम वाली आँच रखते हैं। मैं इसकी दो से तीन दफ़ा साइड पलट लूँगी। पालक के लिए ये देखें प्याज ब्राउन हो रही है। मैंने एक चम्मच लहसुन, एक चम्मच अदरक, दो दरमियानी साइज़ के टमाटर, तीन हरी मिर्ची, एक चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच नमक, ये मैंने मसाला तैयार कर लिया। ये देखो प्याज मेरी लाइट ब्राउन हो गई, अब इसमें जाएगी जब एक चम्मच विनेगर, सफेद सरका, मैं इसको थोड़ी देर इसमें भूनूंगी। लेकिन यहाँ पर भून चुकी है, अब यहाँ पर जाएंगे बाकी लहसुन अदरक टमाटर और मसाले। मैंने इसके अंदर एक प्याली पानी ऐड किया। मैं इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाऊंगी। ये देखिए जनाब प्लेटी इसे तक गल के भुन रही है, प्रेशर से मैंने हटा लिया। साथ में बन रही हैं रोटियां, साथ में हो रही है फिश फ्राई। अच्छी तरह भून लेंगे।
इसकी एक साइड रेडी हो चुकी है फ्राई अच्छे में होकर, दूसरी के लिए मैं इसको क्या बता दूँगी। मैं इसको रख लूँगी 20 मिनट के लिए दम पर। ये देखिए जनाब, मज़ेदार आलू पालक कलेजी तैयार है। बहुत प्यारी स्मेल आ रही है। और ये देखिए फिश, तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।